आज चूंकि आचार संहिता भी लागू हो चुकी है बिहार में चुनाव को लेकर के, इसके मद्देनजर मुजफ्फरपुर जिला में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानाध्यक्षों एवं वहाँ पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में दिवा भ्रमण एवं चेकिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये निरंतर चलते रहेगा। आज इसी क्रम में कुछ गुप्त सूचनाएं मिली जिसके आधार पर गायघाट से एक अपराधकर्मी को लोडे कट्टा और दो गोली के साथ पकड़ा गया। इसके अलावे अहियापुर से भी एक अपराधकर्मी को एक देसी कट्टा और गोली के साथ पकड़ा गया। अहियापुर थाना अंतर्गत भी एक अपराधकर्मी को स्मैक और गांजा के साथ में पकड़ा गया है। तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज रही है। यह अभियान लगातार अभी मुजफ्फरपुर जिला में चलाया जाएगा और अपराधकर्मियों पर नकेल कसने के लिए, अपराध को कम करने के लिए, उनकी गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस की यह कार्रवाई निरंतर चलती रहे। इनमें तो कोई बड़ा अपराधी थे? इसमें सिक्रम कुमार है जो कि रहने वाले हैं जाले जिला दरभंगा का। इनके विरुद्ध में पहले भी 4 केस दर्ज है। इसी तरह नरेंद्र कुमार सॉरी ललन दास प्रीतम जो है ये कोदारिया करजा जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इनका इनके बारे में भी पता चला है कि इनका आपराधिक इतिहास है जो कि पता किया जा रहा है कि मादक से मादक पदार्थ लगातार मुजफ्फरपुर में बरामदगी हो रही है पुलिस के द्वारा भी। तो ऐसे में शराबबंदी के बाद कहीं हब जोन तो नहीं बनता जा रहा? पुलिस क्या रणनीति करेगी चुनाव में? काफी पुलिस तो एक रणनीति के तहत कार्य कर रही है और इधर पकड़े भी जा रहे हैं लोग। पुलिस को सूचनाएं भी मिल रही है इस संबंध में। पुलिस की कार्रवाई से पब्लिक भी उत्साहित है और समय समय पर सूचना देते हैं। पुलिस कोशिश करेगी कि इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। चुनाव को लेकर के विशेष रूप से क्या किया जाएगा सर? चुनाव के लिए डेली अब एक विशेष अभियान पुलिस के द्वारा चलाई जाएगी जिसमें अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब की गिरफ्तारी, चरस गांजा की गिरफ्तारी, बरामदगी, ये सारी कार्रवाइयाँ निरंतर रूप से चलती रहेगी।